हम जानेंगे 30 अक्टूबर बुधवार का राशिफल। तो आइए देखते हैं। मेष राशि, मेष राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी। धन प्राप्ति के लिए किसी नए कार्य का शुभारंभ किया जा सकता है, जिससे धन लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपकी नेगेटिव चीजें देखी जाए तो यदि किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस समय आर्थिक दृष्टि से स्थितियां बेहतर नहीं है। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आपके प्रेम जीवन में पिछले कुछ समय से आ रही समस्याएं समाप्त होंगी, चीजें शांत होंगी और आप तनाव मुक्त और शांति महसूस करेंगे। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो विदेश में या विदेशी कंपनियों से संबंधित कार्यों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने के कारण भी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज आपका भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 1। वृषभ राशि, वृषभ राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो अर्थ प्राप्ति के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी निवेश कर सकते हैं। धन धान्य अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास सफल होगा। अगर आपकी निगेटिव चीजें देखी जाए, यदि आप नौकरी करते हैं और किसी अच्छे पद की कामना कर रहे हैं तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेम जीवन औसत से थोड़ा ऊपर रहेगा, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो विदेशी कंपनियों से संबंधित कार्य करने की योजना सफल हो सकती है। यदि बाहर से संबंधित कामकाज के क्षेत्रों में प्रयास किया जाए तो वह सफल हो सकता है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं, अतः स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपका भाग्यशाली रंग है केसरी और भाग्यशाली अंक है 5। मिथुन राशि, मिथुन राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो भवन, वाहन इत्यादि की सुविधा प्राप्त हो सकती है। आपको सामाजिक मान सम्मान की दृष्टि से भी बेहतर लाभ हो सकता है। राजनीतिक लाभ प्राप्त होने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपके निगेटिव चीजें देखी जाए तो इस समय आपको महसूस होगा आपकी परेशानियों में आपका कोई साथ नहीं देगा, परंतु अन्य तरह की परेशानियां भी आपको दिक्कत देती रहेंगी, इसीलिए अपने परेशानियों को दूर करने का प्रयत्न करें। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आप अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें, ताकि आपके कामकाज के साथ साथ घर परिवार में अच्छा माहौल बना रहे और हर तरह की समस्याओं से निजात पाई जा सके। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो ये समय आपकी महत्वाकांक्षाओं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु अच्छा है। इस समय आपके मन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा प्रबल होगी और आप हर चीज को जानना चाहेंगे। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके माता पिता की सेहत पर ध्यान न देना खतरनाक साबित हो सकता है और उनकी बीमारी को लंबा खींच सकता है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आज आपका भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 4। कर्क राशि, कर्क राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो सबके साथ मिलकर किसी कार्य को करना आपके लिए आसान होगा तथा घर के हर व्यक्ति का सहयोग आपके जीवन में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अपने भले के लिए हर तरह की परेशानियों के साथ समझौता करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आपकी निगेटिव चीजें देखी जाए तो संतान पक्ष को लेकर स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, ऐसे में संतान को अच्छी दिशा देने का प्रयास करें। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेम संबंध को लेकर उथल पुथल का माहौल बन सकता है। कुछ मिसकम्युनिकेशन के कारण एक दूसरे के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है, अतः प्रेमी जन एक दूसरे पर भरोसा करते हुए सामंजस्य बनाए रखें। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आपके संतान को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि वो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो उनके मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता पिता से संबंध अच्छे हो सकते हैं तथा माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी रखने का प्रयास करें। आज आपका भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 3। सिंह राशि। सिंह राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आप सामाजिक क्षेत्र में अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब होंगे। संतान पक्ष बेहतर प्रदर्शन करेगा जिससे आपका मन संतुष्ट होगा। संतान के प्रति अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। अगर आपकी नेगेटिव चीजें देखी जाए तो आपके अंदर इन्वेस्टिगेशन की क्षमता मजबूत होगी। इसके लिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर उसे करने का प्रयास करें। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेम संबंध में ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो और आगे की स्थितियों को अनुकूल बने इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होगा। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो इस दौरान आप घरेलू कार्य में मदद करते नजर आएंगे जिससे घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो भाग दौड़ तथा तनावपूर्ण स्थितियों के कारण कलह बढ़ सकता है। आज आपका भाग्यशाली रंग है बादामी और भाग्यशाली अंक है 9। कन्या राशि। कन्या राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो संतान की पढ़ाई लिखाई या संतान से संबंधित परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप शिक्षा से संबंध रखते हैं या शिक्षा से संबंधित लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आपकी नेगेटिव चीजें देखी जाए तो किसी भी कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करने का प्रयास करें जिससे आपको कामयाबी अच्छी मिले। समय आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, अतः ज्यादा सतर्कता बरती और किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कार्यों को करने से बचने का प्रयास करें। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो अपने प्रेमी जन को मन की बातें शेयर करें तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण रहेंगी। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो इस वक्त आप अपने साहस और पराक्रम में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं आनंद देने वाली साबित होंगी। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता करें। यदि किसी तरह के माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां प्रतिकूल होती है तो उसे अनुकूल बनाने का प्रयास करें। आज आपका भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 7। तुला राशि। तुला राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो अपने आप पर भरोसा करते हुए अपने घर परिवार के सभी सदस्यों पर भरोसा करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। इस समय कुछ शुभ मांगलिक कार्य इत्यादि संपन्न हो सकते हैं। घर परिवार में सबके साथ आपसी सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपकी निगेटिव चीजें देखी जाए तो पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहने से हर तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि अनावश्यक किसी के दखल अंदाजी से परिवार में तनाव उत्पन्न हो। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो यदि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहे। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आपको किसी स्रोत से धन लाभ भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो उसके लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है। आपको कार्यस्थल पर उन्नति मिलने की संभावना है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यदि इस समय किसी यात्रा पर जाना पड़े तो अभी उसे टालने में ही आपकी भलाई है, अन्यथा यात्राओं के दौरान समस्या हो सकती है। आज आपका भाग्यशाली रंग है नारंगी और भाग्यशाली अंक है 8। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आप बेहद साहसी तथा पराक्रमी व्यक्ति हैं और किसी भी कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर पाई जाएगी। इस समय आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सुदृढ़ महसूस करेंगे और विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते दिखाई देंगे। अगर आपकी नेगेटिव चीजें देखी जाए तो आपके लिए प्रतिकूल समय हो सकता है। इस समय में किसी भी शुभ कार्य को करना तथा किसी नए कार्य को करना आपके लिए तनावपूर्ण
या नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आपके दांपत्य जीवन को देखें तो उसमें प्रेम और आकर्षण रहेगा। साथ ही माता जी और जीवन साथी से आपके संबंध सुधरेंगे। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो अपनी जिद के कारण किसी भी कार्य को जल्दबाजी या गुस्से में करने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस समय किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी तरह की चोट चपेट इत्यादि की संभावना है। आज आपका भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 7। धनु राशि। धनु राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना अधिक है। आपको अपने सगे संबंधियों से इस समय सहयोग कम प्राप्त हो सकता है, परंतु आप सबके साथ बेहतर संबंध बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे। अगर आपकी निगेटिव चीजें देखी जाए तो संतान प्राप्ति हो या संतान की पढ़ाई लिखाई इत्यादि हर तरह की परेशानियों में आप लग सकते हैं। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो भाई बहन इत्यादि सबके साथ मधुर संबंध जितना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हुए परस्पर संबंध बनाने का प्रयास करें, जिससे कि हर तरह की समस्याओं से निपटने का प्रयास किया जा सके। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आप साहस तथा पराक्रम के चलते आपको समय के साथ इस बात का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको अपने सगे संबंधियों से सहयोग कम प्राप्त होगा। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये समय आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। उन्हें कुछ स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। आज आपका भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 6। मकर राशि। मकर राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो संतान पक्ष से संतुष्टि प्राप्त हो सकती है तथा संतान से सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। अतः सोची समझी रणनीति के तहत कार्य करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपके निगेटिव चीजें देखी जाए तो आप अपने विचारों को अमल करेंगे। आप में समय और परिस्थिति को देखते हुए कार्य करने की प्रणाली है, इसलिए आपके अंदर समय के अनुसार अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होना आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। अनावश्यक किसी तरह के विवादों में पड़ने से बचने का प्रयास करें। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आप आवेश में जल्दी आ जाते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप किसी पर भरोसा कम करते हैं, परंतु आप पर लोग ज्यादा भरोसा करें ऐसा आप सोचते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता पिता से संबंध बेहतर हो सकते हैं, परंतु माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज आपका भाग्यशाली रंग है सिल्वर और भाग्यशाली अंक है 2। कुंभ राशि। कुंभ राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो घर परिवार में मधुर संबंध होने से हर तरह के कार्यों में कामयाबी मिलने की संभावना बन रही है। घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपकी निगेटिव चीजें देखी जाए तो अनावश्यक व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिससे आपकी धन व्यय होने की संभावना है। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक आज अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से नाखुश है तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। अर्थ लाभ प्राप्ति का उद्देश्य पूरा होगा। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति हो सकती है। आज आपका भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 5। मीन राशि। मीन राशि के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो अति उत्साहित होकर किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे। जिस किसी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपकी निगेटिव चीजें देखी जाए तो आपको घर परिवार में सबको मिलाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो प्रिय के साथ समय बिताने से आपके बीच के संबंधों में सुधार होगा। एक मजबूत संभावना है कि आप अपने प्रिय पर कुछ निराधार आरोप लगा सकते हैं।
अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो यदि आप कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो व्यावसायिक दृष्टि से उन्नति के अवसर है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर धन व्यय होने की संभावना बन रही है। आज आपका भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 7।